ये देखिए ग्रेवी कितना सुंदर ग्रेवी आई है। इसे निकाल के टेस्ट करते हैं। सिर्फ एक सीटी से मैंने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनी है, पकी भी मस्त पकी है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनी है। तो ऐसे ही आप लोग बनाए और कमेंट में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज बनाएंगे चिकन करी। ये जो चिकन करी है स्पेशल मेरा बैचलर सब्सक्राइबर भाइयों के लिए है। चलिए आज बनाते हैं, फटाफट बनाएंगे। मेरा बैचलर भाइयों का रिक्वेस्ट था कि भैया प्रेशर कुकर में चिकन बनाइए, तो इसीलिए आज बनाएंगे प्रेशर कुकर में चिकन। तो क्योंकि 20 से 30 मिनट लगेगा चिकन बनने के लिए, तकरीबन 20 से 30 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, एकदम मैं बनाऊंगा, आसानी से बनाऊंगा। तो कैसे आसानी से बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन बनाना। वीडियो बनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। फाइनली मैंने प्याज काट लिया है, ये टमाटर भी काट लिया है, और साथ में ये अदरक, और ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सारा चीज मैंने रेडी कर लिया है। चिकन को मैंने 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। इसमें डाला था दही और साथ में डाला था वो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा मिर्ची पाउडर भी डाल दिया था, और थोड़ा गरम मसाला साथ में नमक। बस इसको डाल के मैंने थोड़ा मिला के रख दिया था फ्रिज में। बस अभी अभी 10-15 मिनट के बाद मैं खुलाऊं। बस अभी शुरू करते हैं चिकन बनाना, एकदम आज बनाएंगे प्रेशर कुकर में, एकदम फटाफट बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। सिर्फ एक सीटी से मैं चिकन बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, तो हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो चुकी है। बस अभी डाल देते हैं तेल। बस हमारा तेल गर्म हो चुकी है। बस अभी डाल देते हैं प्याज। प्याज हमने मीडियम साइज का 6 प्याज दिया था। बस एकदम चॉप करके मैंने डाला है इसमें। सारा चीज हमने प्रेशर कुकर में बनाएंगे, सीटी मार के बनाएंगे। जब आप चिकन बनाओ उसमें थोड़ा प्याज डालने के बाद थोड़ा नमक डाल दो, क्योंकि ये जल्दी पक जाएगा। ये प्याज को अभी हमने एक सीटी के लिए मीडियम फ्लेम में एक सीटी लगाएंगे। कितना ग्रेवी, कितना सुंदर ग्रेवी बना है। ये देखिए हमारा चिकन कितना सुंदर बनी है, मस्त बढ़िया, एकदम फंटास्टिक बनी है। तो ये 30 मिनट में बनने वाला चिकन है प्रेशर में। सिर्फ एक सीटी से मैंने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनी है, पकी भी मस्त पकी है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनी है। ये देखिए हमारा प्याज एकदम पक चुका है, देखिए एकदम पक चुका है, एकदम नरम हो चुका है प्याज। तो अभी फ्लेम को हाई कर देते हैं, फिर डालेंगे कुछ मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो होगा चिकन, तो चिकन में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दे देते हैं। साथ में दे देते हैं हल्दी। ये देखिए अभी हम डाल देते हैं इसके ऊपर चिकन मसाला। साथ में डाल देते हैं कटा हुआ अदरक, ये एकदम मस्त टेस्ट आता है, इसलिए
हमने काट के डाला है अदरक को, साथ में डाल देते हैं टमाटर, ये देखिए एकदम चॉप किया हुआ टमाटर। और इसमें हम मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि मैरिनेट किया हुआ चिकन में हमने मिर्ची पाउडर डाला था, वो पिटन हमारा घर में जो देसी चिली फ्लेक्स है हमने जो कूट के रखा था उसे डाला था चिकन में, इसमें नहीं डालेंगे मिर्ची पाउडर, वो बहुत तीखा है। इसमें थोड़ा पानी देंगे क्योंकि ये ना लग जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी देके मिलाएंगे। मसाला से जब तक पानी ना मर जाए तो तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि जो पानी मरने के बाद थोड़ा तेल ऊपर आएगा तो तभी हम चिकन डालेंगे। तेल ऊपर तक आ गई है, इसका मतलब है पानी सारा मर चुका है, और ये भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, तो अभी डाल देते हैं चिकन को। आप सोच रहे होंगे कि मैं मैरिनेट के लिए 15 मिनट दे दिया फ्रिज में, तो 15 मिनट में चिकन कैसे बनेगा, इसका भी एक ट्रिक है, तो आगे वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को, तो दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनाना है 15 मिनट में चिकन। तो ये सिर्फ प्रेशर कुकर में बनता है, तो दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहे। ये देखिए चिकन डाल देते हैं चिकन को, इसे हम थोड़ा अभी इसे हम हाई फ्लेम में 1 मिनट तक भूनेंगे। तकरीबन 1 मिनट के ऊपर हो चुकी है, बस अभी डाल देते हैं गरम मसाला, ये रुचि कंपनी का गरम मसाला पाउडर है। फिलहाल अभी हम इसमें डाल देते हैं पानी, पानी डाल के एकदम लो फ्लेम में लो से मीडियम फ्लेम में 1 सीटी लगाएंगे, चिकन हमारा बन के रेडी हो जाएगा। दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहे। जो वीडियो है मेरा बैचलर सब्सक्राइबर भाइयों के लिए है, तो जरूर इसे देखना। कोई जॉब करता है तो खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और कोई पढ़ाई करता है तो खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इन लोगों के लिए ये रेसिपी है। तो ये जो चिकन बनाने का तरीका है एकदम आसान तरीका है, 20 से 30 मिनट के अंदर चिकन बन के रेडी हो जाएगा, तो आप लोग देखना कि कैसे बनता है मेरा चिकन। एकदम 1 सीटी लगाएंगे लास्ट में, 1 सीटी एकदम मीडियम से लो फ्लेम में 1 सीटी लगाएंगे, तो हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एकदम एंड में, मिलते हैं कैसे चिकन बनी है तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल पक चुकी है, तो थोड़ा टाइम देते हैं 2 मिनट, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने दीजिए, अपने आप वही सिटी अंदर ही ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद निकाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो चिकन पकी कि नहीं। चलिए थोड़ा वेट करते हैं। फाइनली हमारा प्रेशर कुकर से सिटी निकल चुकी है, ये देखिए, तो अभी निकाल के देखते हैं तो चिकन पकी कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आगे ही जो भी मैं मेरा ब्लॉग में जो भी अच्छा अच्छा रेसिपी आएगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, आप मिस नहीं कर पाओगे। वाह कितना सुंदर बनी है, एकदम मस्त बनी है, ग्रेवी भी मस्त बनी है, तो दिखाते हैं। ये देखिए ग्रेवी कितना सुंदर ग्रेवी आई है,
इसे निकाल के टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी आई है, ये देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी भी बढ़िया आई है सिर्फ एक सीटी से। तो दिखाते हैं आप लोगों को चिकन एकदम पकी कि नहीं। वाह बहुत गर्म है, हड्डी से अलग हो जा रहा है। देखिए खा के देखते हैं। बढ़िया टेस्ट है। ये देखिए हमारा चिकन कितना सुंदर बनी है, मस्त बढ़िया एकदम फंटास्टिक बनी है। तो ये 30 मिनट में बनने वाला चिकन है प्रेशर में, सिर्फ एक सीटी से मैंने बनाया है। देखिए कितना सुंदर बनी है, पकी भी मस्त पकी है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनी है। तो ऐसे ही आप लोग बनाए और कमेंट में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आगे से जितना भी अच्छा अच्छा रेसिपी आएगा मेरे ब्लॉग में तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए गेलुअर में बैठ चुके हैं खाने के लिए। ये रहा हमारा चिकन, तो खा के टेस्ट करते हैं और गेलू बताएगा आप लोगों को चिकन कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा टेस्ट करना हो जो बढ़िया ना हो जो चिकन तो एकदम मस्त बनी है, आप लोग भी घर में ट्राई करना। 30 मिनट में चिकन बनने वाला ये चिकन है एक सीटी से। तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो एक सीटी लगेगा, एकदम धीमी आंच से एक सीटी लगेगा लो फ्लेम में। तो घर में जरूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कैसे बनता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय 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 बाय।